इम्यूनाइजेशन के दो टाइप कैसे होंगे सबसे पहला तो है एक्टिव ठीक दूसरा है पैसिव अब इनमें फर्क क्या है यहाँ पे तो जब हम एक्टिव की बात करते हैं ना तो यहाँ पे आपके बॉडी में लाइव एटेनुएटेड हीट किल्ड ठीक हीट किल्ड इस टाइप के यहाँ पे कोई भी पैथोजन डाला जाएगा ठीक है माइंड यू यहाँ पे पैथोजन डाला जाता है ताकि जो आपकी बॉडी है वो मेमोरी सेल बना ले बॉडी मेक्स मेमोरी सेल मोरोवर जब पैसे इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनाते हैं ठीक प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन टू पेशेंट प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को पेशेंट की बॉडी में डालते हैं और तब उस इम्यूनिटी को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे कोई मेमोरी सेल नहीं बनेगा एक्टिव इम्यूनिटी की अच्छी बात यह है कि ये हमेशा लाइफ लॉन्ग होती है ठीक है एक बार मेमोरी सेल बन गई तो लाइफ लॉन्ग काम आएगी पैसिव इम्यूनिटी वन टाइम ठीक इसकी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी नहीं है तो ये दो टाइप की इम्यूनाइजेशन हो गई क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर